हेलो एंड वेलकम टू ई लर्नर्स। तो आज देखते हैं जनवरी सेकंड वीक 2019 के करंट अफेयर एमसीक्यूज। ये सर एमसीक्यूज एसएससी बैंकिंग रेलवे रिलेटेड होंगे, यूपीएससी के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो मेरा नाम है महेश। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए रिजर्वेशन एट व्हाट परसेंटेज फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो देखिए, अभी जो लोकसभा से एक बिल पास हुआ, ठीक है, ये जो था 124 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, तो इसमें लोकसभा ने क्या किया कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट है, जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पास हो चुका था। तो ये कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, ये तो ये जो था ये 10% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 10% हो जाएगा। देखिए कुछ क्राइटेरिया है, इससे पहले देश में कभी भी इकोनॉमिकली जो आधार पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस रिजर्वेशन के तहत जो कोई भी एक फैमिली, ठीक है, जो कि इस 8 लाख जो एनुअल इनकम है, ठीक है, उनका अगर इससे नीचे हो और उनके पास 5 एकड़ से कम जो जमीन हो, ठीक है, तो उनको दिया जाएगा ये जो रिजर्वेशन का फायदा, वो लोग उठा सकते हैं। ठीक है, जनरल कास्ट के, और आज तक जिन्हें कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिला है उनको स्पेशली ये रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 10% के रिजर्वेशन की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, द प्रपोज रिजर्वेशन विल बी ओवर द अबव एग्जिस्टिंग 50%। तो इससे क्या हो जा रहा है, जो 50% का रिजर्वेशन का एक टारगेट जो सुप्रीम कोर्ट का कोटा है कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसको ये सीधा सीधा उल्लंघन करता है। ठीक है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो जो अभी जो रिजर्वेशन एंजॉय करते थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर ओबीसी, ठीक है, इनके अलावा जो है, ठीक है, उनको मिलेगा, मतलब जनरल कास्ट के मिलेगा। ठीक है, फॉर दिस गवर्नमेंट विल हैव टू अमेंड आर्टिकल 15 एंड 16। तो आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इससे ये जो है 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SAMEER फॉर रिसर्च इन कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्विलेंस। ठीक है, तो ये जो SAMEER, ये क्या है बेसिकली, देखिए इसका फुल फॉर्म सोसाइटी ऑफ फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ठीक है, इधर ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अंडर मेटी। मेटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके तहत ये जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है ये समीर के साथ, ठीक है, समीर जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, बेसिकली माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च ये सारे चीजों में इनका रिसर्च है। ठीक है, तो नेविगेशन और सर्विलेंस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ एक एमओयू साइन किए, ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये है AAI, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, इसका हेडक्वार्टर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और कब फाउंड किया गया था, 1 अप्रैल 1995। ठीक है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और ये नेविगेशन और सर्विलेंस के लिए AAI ने साइन किया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द रामनाथ गोयंका एक्सेलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म, ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो ये जो प्रिंट कैटेगरी में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयंका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किनको मिला है, तो देखिए अभी हाल ही में रामनाथ गोयंका का एक्सेलेंस जर्नलिज्म अवार्ड सारे डिक्लेयर हुए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग जो सेक्शन है प्रिंट कैटेगरी के, इसमें जो अवार्ड रिसिपियंट है, रिसिपियंट कौन है, ये है एस विजय कुमार। ठीक है, ये द हिंदू के जो सीनियर डेप्यूटी चीफ एडिटर है, ठीक है, एस विजय कुमार, इनको ये अवार्ड मिला है। फिर और जो है दूसरे कैटेगरी में भी ये अवार्ड मिल चुका है, इसका मैं टेबल आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्यों मिला है इनको, देखिए, हाउ टैक्स मैन अलर्टेड ऑफिशियल्स अबाउट पे अप इन तमिलनाडु गुटका स्कैम, ठीक है, बट वेर इग्नोर्ड, ये वाला एक आर्टिकल था द हिंदू में, ठीक है, 2018 में। तो इस आर्टिकल के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, रामनाथ गोयंका एक्सेलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म। ठीक है ना, तो एस विजय कुमार इनका नाम याद रखिए, द हिंदू में ये सीनियर डेप्यूटी चीफ एडिटर है। ठीक है, इसके अलावा रामनाथ गोयंका के बारे में आपको पता होना चाहिए, रामनाथ गोयंका कौन है। ठीक है, देखिए ये है रामनाथ गोयंका,
आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर है, ठीक है, रामनाथ गोयनका, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस इन 1932 ये लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है, और बहुत सारे अखबार, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इनका पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम पे ये जर्नलिज्म का अवार्ड दिया जाता है, इनका नाम रामनाथ गोयनका है, ठीक है, बिहार में पैदा हुए थे, ठीक है। और ये जो अवार्ड के कुछ और जो रिसिपियंट है देख लीजिए, ठीक है, रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म 2018 का ये अवार्ड है, 2019 में दिया जा रहा है। तो ये है पहले जो एस विजय कुमार, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इन प्रिंट कैटेगरी में है। फिर आनंद कुमार पटेल इंडिया टीवी के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इन ब्रॉडकास्ट कैटेगरी, ठीक है। फिर ये दोनों को मिला है एबीपी न्यूज और इंडियन एक्सप्रेस से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। फिर सुनील चंद्र भगोना, देन ये जो है संध्या रविशंकर, ठीक है, इनको मिला है एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, अगर आप जर्नलिज्म फील्ड से रिलेट करते हैं तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 है ये कौन से सिटी में हो रहा है, ये अभी देखिए, इसका जो पहला एडिशन था ये दिल्ली में हो गया है, और अभी ये दूसरा एडिशन जो है ये पुणे में हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुणे, ठीक है। तो पुणे कहाँ पे है आपको बताना चाहिए, महाराष्ट्र का एक सिटी है पुणे, ठीक है। तो ये देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब शुरू हुआ था ये, ठीक है, जो फर्स्ट इवेंट था 2018 में शुरू हुआ, और 2019 में ये लास्ट इवेंट जो ये 2019 में होने वाला है, ठीक है। इसका जो पर्पज है, ठीक है, ग्रास रूट टैलेंट हंट, ठीक है, जो 17 अंडर 17 जो इयर्स है, ठीक है, और जो स्कूल स्टूडेंट्स है ये जो अंडर 21, ठीक है, तो 17 से 21 साल के बीच के जो लड़के लड़के जो खेलो इंडिया इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इससे ग्रास रूट टैलेंट सर्च किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। गेम्स में इसमें काफी अच्छा होता है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी को चांस मिलता है कि इनको ढूंढ के अच्छे से इनको ट्रेनिंग वगैरह करवाया जाए, ठीक है। तो इसका जो सेकंड जो एडिशन है ये पुणे महाराष्ट्र पे हो रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने डांसेस ऐड कर दिया, ये नया है डांसेस का सेक्शन जो है, ठीक है, इसमें टाइम टू टाइम ये ऐड होते रहेंगे चीजें, ठीक है। तो महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, सीएम अभी है देवेंद्र फडणवीस, फिर गवर्नर है चिन्मयी विद्यासागर राय, ठीक है। फिर नेशनल पार्क चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, ये सर नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है देख लीजिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा यहाँ पे कुछ डैम है, ठीक है, कोयना डैम, फिर ये जो है गोदावरी डैम, ठीक है। फिर एक दो एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है, एक तो है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट और दूसरा है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो एटॉमिक पावर प्लांट जो तारापुर का है वो यूएसए बैक्ड है, और जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये फ्रांस बैक्ड है, ठीक है। फिर ये डांसेस का सेक्शन नया से ऐड करा गया है, ठीक है। ये जो है पावरी नाच, लावणी, कोली डांस, लेजिम, गोंधा, देन तमाशा, ठीक है, देन थर्मल पावर स्टेशन है जैसे कि तिरोरा, अमरावती, चंद्रपुर सुपर, ठीक है, ये सारे है। देन यहाँ के जो स्टेट एनिमल है जेंट स्क्विरल, एलोफ्रूट, ये जो पिजन ये है स्टेट बर्ड, देन मैंगो स्टेट फ्रूट एंड जरूल स्टेट ट्री, ठीक है। फिर देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अमलगेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल रूरल बैंक्स इनटू अ सिंगल आरआरबी। तो कौन सा रीजनल रूरल बैंक को, ठीक है, अमलगेट करके एक सिंगल बैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो आरआरबी किसके अंडर में आता है ये भी आपको बताना चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक, ये नाबार्ड के अंडर में आता है, ठीक है। नाबार्ड जो होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उसके तहत ये सारे आते हैं। तो इसमें से कौन सा तीन बैंक को मर्ज करके एक सिंगल रूरल बैंक बनाने वाले हैं? तो इसका जो है पंजाब ग्रामीण बैंक है इसमें, ठीक है, एब्सोल्युटली है पंजाब ग्रामीण बैंक है। फिर पंजाब ग्रामीण बैंक के अलावा जो मालवा ग्रामीण बैंक है ये भी है, और जो और एक बैंक है ये है सतलज ग्रामीण बैंक, ठीक है, पंजाब, मालवा, सतलज, ये तीन है, उत्कल ग्रामीण बैंक नहीं है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ठीक है, पंजाब, मालवा, सतलज ग्रामीण बैंक को मिला के एक सिंगल आरआरबी बनाया जा रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सारे नाबार्ड के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, नाबार्ड का जो फाउंडेशन किया गया था कब, 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई पे है, ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी हैज जॉइंड आईएमएफ एज इट्स फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट। तो कौन सा जो इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी है जिन्होंने आईएमएफ ज्वाइन किया एज इट्स फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट, तो इनका नाम क्या है, पहले आई थिंक एक बार कवर
किया जा चुका है, ठीक है, उस टाइम पे न्यूज आया था, अभी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ इनका नाम। तो गीता गोपीनाथ विल बिकम द सेकेंड इंडियन आफ्टर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन टू बी अपॉइंटेड टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन। तो आईएमएफ में जाने वाले गीता गोपीनाथ जी सेकेंड इंडियन पर्सनैलिटी है आफ्टर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। तो आपको पता होगा अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर के रिलेटेड एक न्यूज आया था कि जो आरबीआई के अभी के जो गवर्नर थे, ठीक है, उर्जित पटेल, उन्होंने दिसंबर महीने में रिजिग्नेशन दे दिए, फिर नया गवर्नर आया, ठीक है, उनका नाम क्या है आप चलिए आप कमेंट बॉक्स में ये पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये है गीता गोपीनाथ, जो कि आईएमएफ को ज्वाइन कर चुके हैं एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और ये इंडिया के फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट है और ये सेकंड इंडियन है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी में ही है। दोनों का जो देखिए दो जो वर्ल्ड के ज्यादा बोले जाने वाला जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है एक, ठीक है, डब्ल्यूबी, और दूसरा है आईएमएफ, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही ये यूएसए में है और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना चाहिए। सीईओ है कौन, क्रिस्टियन लागार्डे, ठीक है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो है फाउंड किया गया था कब, 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स जो कन्वेंशन था उसके तहत ये दोनों को एक साथ ही फाउंड किया गया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, बोथ आर सिचुएटेड इन वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। देन सेवन क्वेश्चन देते हैं, व्हिच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो नेशनल पोएट्स कॉन्फ्रेंस। तो विश्व में जो ऑल इंडिया जो अखिल भारतीय पोएट्स कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, तो कवि सम्मेलन ये होता है 2019 का, ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से बताना चाहिए। ये चेन्नई पे इस साल का हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो देखिए हिंदी में क्या है, सर्वभाषा कवि सम्मेलन, ये पहला बार जो शुरू किया गया था ये 1956 में शुरू किया गया, ठीक है, और चेन्नई में ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो नेशनल पोएट कॉन्फ्रेंस, इसका ये जो ऑल इंडिया रेडियो है इनका जो टेलीकास्ट पार्टनर है बेसिकली, ठीक है, पोएट कॉन्फ्रेंस है ये, तो ये चेन्नई में हो रहा है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो इनॉग्रेशन है ये बनवारीलाल पुरोहित, जो चेन्नई के अभी जो गवर्नर है, ये कर रहे हैं, इसका तमिलनाडु का गवर्नर जो है बनवारीलाल पुरोहित, वो इसका इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ स्टैटिफिक्स देख लीजिए, गवर्नर तो मैंने पहले ही बता दिया बनवारीलाल पुरोहित है, और यहाँ के जो सीएम है एडापड्डी के पलानीस्वामी, देन यहाँ पे कुछ जो डांसेस है, ठीक है, तमिलनाडु में बहुत सारे डांसेस है, इसमें से ये वाला जो देखिए भरतनाट्यम जो लिखा है, ठीक है, भरतनाट्यम जो है ये यहाँ के क्लासिकल डांसेस है, और बाकी ये जो सारे हैं ये फोक डांसेस है, ठीक है, बहुत सारे फोक डांसेस है तकरीबन 12-13, ठीक है, कुम्मी ओलियट्टम, देन ये सारे जो है बोमलट्टम, ठीक है, बहुत सारे जो अट्टम अट्टम लगे हुए जो डांसेस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मईलट्टम, ओलियट्टम, करगट्टम, ठीक है, ये जो अट्टम अट्टम लगा हुआ है ये सारे जो है तमिलनाडु से रिलेटेड, तो ऐसा आप कुछ याद कर सकते हैं इसको। देन नेशनल पार्क देख लीजिए, गुइंडी, गल्फ ऑफ मैनर, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्थी, ये सारे नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर कुछ बार्ड सेंचुरीज भी है जैसे करेकली, ठीक है, देन पुलिकट लेक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कुंदनकुलम बोल के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि इंडिया और रशिया की मदद से बनाया गया है, कुंदनकुलम, ठीक है। फिर एक मद्रास का जो कल्पाकम एटॉमिक पावर स्टेशन भी है, ये इंडिया का अपना है, ठीक है। फिर कुछ थर्मल पावर स्टेशन भी है, मेट्रो डैम के ऊपर मेट्रो थर्मल पावर स्टेशन भी है, ठीक है। फिर नैवेली, एन्नोर, तुतिकोरिन, ये सारे थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो मेट्रो डैम जो है कावेरी रिवर के ऊपर है। फिर यहाँ पे जो है ये इनका स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, ये सारे भी दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके याद करिएगा। फिर देखते हैं, द पर्सनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2018 हैज स्ट्राइक्ड आउट व्हिच डिजीज एज ए ग्राउंड फॉर सीकिंग ए डाइवोर्स। तो देखिए कुछ डिजीजेस है जिसके ग्राउंड पे आप डाइवोर्स मांग सकते हैं, ठीक है, अपने स्पाउस से। तो ये जो है इस डिजीज, कौन से डिजीज को इससे बाहर निकाला गया कि अगर इस डिजीज कोई भी हस्बैंड या वाइफ किसी भी एक पार्टनर को अगर ये डिजीज है तो इसको आधार पे इसका बेस करके आप डाइवोर्स नहीं मांग सकते, ठीक है ना। तो कौन सा है, क्या एड्स है या फिर लेप्रोसी या फिर अस्थमा या फिर कैंसर। तो देखिए ये जो डिजीज है ये लेप्रोसी है, ठीक है, लेप्रोसी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में इसको कुष्ठ बोलते हैं। तो लेप्रोसी डिजीज को अभी जो पर्सनल अमेंडमेंट, जो पर्सनल लॉ का जो बिल था 2018 में अमेंडमेंट होके इसको
अभी इससे बाहर निकला गया है, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो लेप्रोसी डिजीज है इसको हम अच्छे से एमडीटी जो बोलते हैं, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरापी, इससे हम क्योर कर सकते हैं, इसको अच्छे से पूरा क्योर कर सकते हैं, 100% क्योरेबल है। इसलिए लेप्रोसी डिजीज को पर्सनल लॉ के जो अमेंडमेंट करके इसको बाहर निकाला गया कि ये ग्राउंड नहीं हो सकता है जो डाइवोर्स मांगने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेप्रोसी। तो लेप्रेसी बेसिकली है क्या, कैसे होता है, बेसिकली ये सारे आपको बताना चाहिए। इसको हंसेंस डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पहली बार जो इसको फाउंड किए थे उनके नाम पे ये दिया गया है, हंसेंस डिजीज, जिसको लेप्रेसी बोलते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। देन ये जो है 2 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद एम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, कहां पे, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, साउथ एशिया, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स वगैरह क्या है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, देखिए, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद हंसेंस डिजीज पेशेंट, ठीक है, अगर इनके कॉन्टैक्ट में रहे तो ज्यादातर होता है, बेसिकली 95% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज रेजिस्टेंस टू माइक्रो लेप्री। तो ये जो लेप्री से 95% पीपल रेजिस्टेंस है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, लेकिन ये डिजीज फैल जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ठीक है ना। सिम्टम क्या है, देखिए, आफ्टर 2 to 10 ईयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 2 से 10 साल तक ये इक्वेशन में रहता है, मतलब बॉडी में है लेकिन पता नहीं चलता है। फिर स्किन डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, पेन, न्यूमरस लॉस वगैरह सेंसेशन में, ठीक है, मसल वीक हो जाता है, वन टाइप ऑफ पैरालिसिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें दिखाई देता है, ठीक है। डायग्नोसिस इसको अच्छे से किया जाता है, इसका जो ट्रीटमेंट है एमडीटी से ये अभी पूरा क्योरेबल है, ठीक है। 6 months से 2 साल तक एमडीटी डोज आपको खाना पड़ेगा, टेबलेट्स वगैरह मिलते हैं, एमडीटी टेबलेट्स उनको खा के ये पूरा क्योरेबल होता है, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग के 4th एडिशन का कौन सा सिटी है वेन्यू, ठीक है, ये 8 जनवरी 2019 से शुरू है और इसका जो वेन्यू है हर साल ये न्यू दिल्ली रहता है, ठीक है। रायसीना डायलॉग आई थिंक कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रायसीना हिल्स है दिल्ली में वहीं पे ये होता है, तो रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, सॉरी, इसका जो वेन्यू है इस साल का न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका थीम क्या है इस साल का, देखिए, रायसीना डायलॉग का ये है ए वर्ल्ड रीऑर्डर न्यू ज्योमेट्रीज फ्लूइड पार्टनरशिप और अनसर्टन आउटकम्स। तो इसी के लिए चल ही रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में न्यू ज्योमेट्री हो रहा है, क्योंकि जो देश है जो, ठीक है, पहले जो कंट्री दोस्त थे अभी वो अलग हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइज जो बन रहे हैं, ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट में कंट्री के बीच में जो है सुलह हो जा रहा है, ठीक है। जैसे वो पता होगा रशिया, फिर पाकिस्तान, चाइना, इनके गुट बनते जा रहा है, ठीक है, फिर इंडिया जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिलकर गुट बना रहा है, तो ये सारी चीजें हो ही रहा है। तो इसलिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो इसका इस साल का थीम है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा, किस किस के बारे में ये डिस्कशन होता है, बहुत सारे ग्लोबल से जो लोग आते हैं इसमें, बहुत सारे देश के लीडर आते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन विल सीक द एड्रेस इश्यूइंग अराइजेस फ्रॉम द ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रांजिशंस एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर ट्रिगर्ड बाय यूनिक लीडर्स, ठीक है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ये खामखा जो एस्केलेट करते थे काफी सारे, जैसे ट्रेड वॉर वगैरह चाइना के साथ, उससे क्या होता है जो एक जो वर्ल्ड का जो पैटर्न है, ठीक है, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो नए नए दोस्ती बनते हैं और दुश्मनी भी नए नए ही बनते हैं, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, रायसीना डायलॉग का जो एडिशन है 4th एडिशन, ये कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली पे हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट जीएस 2019। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, ये इंडिया में हो रहा है साल। तो इसका जो थीम है ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का, ये क्या है, ठीक है, फ्लाइंग फॉर ऑल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फॉर ऑल, ठीक है। वेन्यू कहाँ पे, ये इंडिया में मुंबई में हो रहा है 15-16 जनवरी 2019, ठीक है, 15 से 16, ये 2 दिन का है। तो फ्लाइंग फॉर ऑल है इसका इस साल के जो थीम ग्लोबल एविएशन समिट मुंबई। फिर देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द जनरल ऑफ न्यू डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, SSB। तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, ये 1985 IPS है, 1985 बैच के, ठीक है। इनका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए अच्छे से, इनका नाम है कुमार राजेश चंद्र, ठीक है। तो कुमार राजेश चंद्र 1985 बैच का IPS ऑफिसर है, ये सक्सेस करने वाले हैं SS देसाई को, ठीक है। तो SS देसाई को सक्सेस करने वाले हैं कुमार राजेश चंद्र, ये बनेंगे नए जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल SSB। सशस्त्र सीमा बल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कौन से बॉर्डर, बेसिकली आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है।
तो ये सीएपीएफ के पार्ट है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के वन विंग से। सीएपीएफ में बहुत सारे होते हैं, जैसे सीआईएसएफ है, ये एसएसबी है, फिर आईटीबीपी है, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसे बोलते हैं, सीआईएसएफ जिसे बोलते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये सारे है इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये सारे आते हैं, आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं है, सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना चाहिए, इसका जो मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और फाउंडेशन कब हुआ था, ये 1963, ठीक है। फिर देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मलेशिया टू रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग टेन्यूर। तो देखिए, मलेशिया में एक नई कहानी चल रही है, ठीक है, उनका जो फर्स्ट मोनार्च है, ठीक है, तो मोनार्च वन टाइप ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ के जो कौन सा है जो मोनार्च है जिन्होंने अपने टर्म कंप्लीट करने से पहले ही स्टेप डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है, ये मलेशिया के, इनका नाम क्या है, मोहम्मद वी, ठीक है, मोहम्मद वी या फिर मोहम्मद फाइव बोल सकते हैं। तो मोहम्मद वी जो है इनके मोनार्च, ये अभी टेन्यूर खत्म होने से पहले ही ये स्टेप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो मलेशिया के बारे में ये सारी चीज आपको पता नहीं चाहिए, पहले से पता होना चाहिए मलेशिया हो क्या है, ठीक है। तो इंडिया के कंपैरिजन में आप देखें तो ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड के इस साइड पे, यहाँ पे वियतनाम वगैरह इस साइड पे होगा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से ये है मलेशिया, दो हिस्सों में बटा हुआ है बेसिकली, ठीक है। इसका जो कैपिटल है ये कुआलालंपुर है, ये इस पार्ट पे है, और ये जो यहाँ पे येलो पार्ट है इंडोनेशिया के ऊपर, ठीक है, इसको बोर्नियो आइलैंड बोला जाता है, ये टोटल एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। तो यहाँ पे कंट्री भी है छोटा सा एक, देखिए ब्रुनेई, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है इंडोनेशिया के ऊपर, ये जो है ये भी मलेशिया का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मलेशिया बनते हैं, और इसका जो है कैपिटल है ये कुआलालंपुर है, ठीक है। तो इनका जो सिस्टम है, ठीक है, मलेशिया का, तो ये सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। मलेशिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ए रोटेशनल मोनार्की, ठीक है, इन प्लेस सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन इन 1957। इनको इंडिपेंडेंस से आजादी मिल गई थी, लेकिन इनके रोटेशनल मोनार्की चल रहा था, ठीक है। कुछ रॉयल जो 9 रॉयल फैमिलीज है उनके एक एक किंग जो रोटेट करके राजा बनते थे यहाँ के, और उनके पास सारे सेरेमोनियल रोल के लिए पावर है, ठीक है। अब जो हिज असेंट इज नीडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वेरियस अदर सीनियर ऑफिशियल्स, ये सारे चाहिए, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट किंग कैन बी डिसाइडेड बाय अ वोट इन द काउंसिल ऑफ रूलर्स, ठीक है, मेड अप ऑफ ऑल 9 रॉयल हाउस होल्ड। तो ये जो 9 रॉयल हाउस होल्ड है ये मिलकर ही सिलेक्शन करते हैं नेक्स्ट किंग के, ठीक है, ऐसे रोटेशनल ऑर्डर में चल रहे हैं, और कंटिन्यू एक बार कंटिन्यू एक जो फैमिली से एक पर्सन को दो बार किंग नहीं बनाया जा सकता, ये भी एक रूल है यहाँ पे, ठीक है, मलेशिया में। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फिर देखते हैं, 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टू असेस द क्वालिटी ऑफ डैश। तो 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, ये किस चीज को असेस करने के लिए है, स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स, पीडीएस सिस्टम, या स्वच्छ रैंकिंग, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है। तो देखिए, एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम सुनते ही लगता है कि ये शायद ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। देखिए, ये जो है एचआरडी मिनिस्ट्री, स्कूल एजुकेशन इसके अंडर में ही आता है, ये भी आपको पता चाहिए एक फैक्ट, ठीक है। तो ये जो है स्टेट्स के स्कूल एजुकेशन को असेस करने के लिए, उनके क्वालिटी असेस करने के लिए ये जो 70-point जो ग्रेडिंग इंडेक्स है ये बनाया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी, ठीक है। इनका जो ऑफिस होल्डर अभी कौन है, देखिए, ये जो है स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर, और प्रकाश जावेदकर जी जो है मिनिस्टर है यहाँ के, ठीक है। फिर ये जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो देखिए, इसका जो अंडर में जो चाइल्ड एजेंसीज है, चाइल्ड एजेंसीज को आप अच्छे से देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये सारे जो है ये सारे ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में ही आता है। तो इनके रिलेटेड जो भी डिसीजंस वगैरह है, ठीक है, ये सारे भी एचआरडी मिनिस्ट्री लेता है, ठीक है। तो ये जो है 70-point ग्रेडिंग सिस्टम ये स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स के लिए ही है, ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन देखते हैं, ऑन व्हिच डेट द 2019 नॉन रेजिडेंट इंडियन डे इज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसके बारे में पता तो ज्यादातर लोगों को है, लेकिन जब ये नॉन रेसिडेंट इंडियन आ जाता है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इसे हिंदी में बोला जाता है, तो ज्यादातर वो जो हिंदी वाला टर्म है वही ज्यादा पॉपुलर है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन भी बेसिकली वही होता है, प्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई बोलते हैं हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में,
ठीक है। तो ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं, ये मनाते हैं जनवरी 9 को, ठीक है। तो जनवरी 9 जो कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉन रेसिडेंट इंडियन डे भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया, तो आपको पता होना चाहिए क्यों मनाते हैं, गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, ऐसा स्टोरी है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। हिस्ट्री के बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार कि गांधी जी कौन से कंट्री से थे, कब आए थे। तो ये जनवरी 9 है, उस दिन को ही हम नॉन रेसिडेंट इंडियन डे मनाते हैं, ठीक है। तो देखिये ये 1915 में, जो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए थे, इस दिन को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। Who is the head of the RBI panel on improving digital payments? तो digital payment improve करने के लिए RBI ने जो panel बनाया है, तो उसका head कौन है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, नंदन नीलकनी, ठीक है। नंदन नीलकनी है इनका पूरा नाम, नंदन नीलकनी, ठीक है। एक 5 member committee है बनाया गया है, जिसको बोला गया कि आप 90 days में आप report submit करिए, ठीक है। तो इसका जो panel का head है नंदन नीलकनी जी, ठीक है। RBI के बारे में देख लीजिए, 1926 में बनना था, ठीक है। अभी जो यहाँ के जो RBI के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट तो नहीं गवर्नर बोल सकते, ठीक है, शक्तिकांत दास, ठीक है। और जो उर्जित पटेल, जो इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजर्व बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई पे है, और ये फाउंड कब किया गया था, 1926 के तहत नेशनलाइज इसके बाद में हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं, व्हिच इंडियन पवेलियन हैज ओन द एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 106th इंडियन साइंस कांग्रेस। तो कौन सा इंडियन जो पवेलियन है जो जीता एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये जो कौन सा झांकी है, ये एग्जीबिटर अवार्ड जो जीतने वाले, तो आपको पता होगा 106th जो नेशनल साइंस कांग्रेस पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था, ये जलंधर पंजाब में इस साल होता है, हो रहा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब। तो उसमें जो एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन से पवेलियन ने जीता है, ये जो है ये DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं DRDO, ठीक है। मिसाइल्स वगैरह, आर्टिलरी वगैरह, और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, ये सारे यही डेवलप करते हैं DRDO। तो इनका जो झांकी है ये जीता था इस साल का जो एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 106th इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस इन जलंधर पंजाब, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए, DRDO के बारे में, फाउंडेशन जो हुआ था 1958, हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली पे है, ठीक है। तो ये सारे बात आपको बताना चाहिए, और DRDO जो है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए द पवेलियन, ये जो DRDO पवेलियन क्यों देता था, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें जो है, देखिए मेक इन इंडिया स्पिरिट के लिए, सेल्फ रिलायंस, नेशनल प्राइड, ये सारी चीजों के लिए कुछ चीजें इन्होंने बनाया है, ठीक है। क्या क्या चीजें वो आपको बताना चाहिए, पोर्टेबल केमिकल एजेंट डिटेक्टर एक है इसमें से, फिर लाइफ साइंस प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर वोमेन है, अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस एक है, T90 टैंक, क्रू एंड रेडी टू ईट पैकेज्ड फूड, ये सारे है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों ये जो इसमें एग्जीबिशन में ये लोग डेमोन्स्ट्रेट किए, ठीक है, इसलिए इनको ये एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फिर 17th क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019, ठीक है, जिसे 1920 फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ CSO, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो इनके जो मुताबिक, ठीक है, इनके जो प्रेडिक्शन है, इनके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019 में कितने परसेंटेज इंडिया का GDP ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो 7.5, 7.2, 7.4, 6.9, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए 7.2% जो है फाइनेंशियल ईयर 19 में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये इनका जो प्रेडिक्शन है CSO का, ठीक है। फिर जो पिछले साल का कितना रहा, आपको ये भी पता होना चाहिए, 6.7% रहा, खराब बोल सकते हैं अगर हम पिछले कुछ सालों का जो GDP ग्रोथ रेट देखें उसके तहत, ठीक है। रीजन आपको पता ही है, डीमो हुआ है, फिर GST वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए तो 6.7% रहा फाइनेंशियल ईयर 18 के, तो ये तो आपको बताना चाहिए। फिर RBI का जो एक्सपेक्टेड है ये कितना है, इनका जो है CSO जो एक्सपेक्ट किया है 7.2%, RBI ने उससे 0.2% ज्यादा किया, मतलब 7.4% है RBI का एक्सपेक्टेशन फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको बताना चाहिए। तो इसका जो आंसर है CSO का, ये कितना हो जाएगा, 7.2%। तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली भी है, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, ठीक है। और ये जो है सर्वे करते हैं, एनुअल डाटा वगैरह, ये सारे CSO के तरफ से ही निकलता है सारे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जो फाइनल जो GDP के जो टर्म्स है, ठीक है, फाइनल GDP के जो आंकड़े है, ये सारे भी CSO ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। NSO CSO को देते हैं और CSO प्रोवाइड करता है एक्चुअल डाटा।
फिर देखते हैं, which city is the venue of the 6th Women of Indian Organic Festival 2019? Indian Organic Festival 2019 के जो Women of Indian Organic Festival 2019 है, ये कहाँ पे, इसका वेन्यू कहाँ पे है? ठीक है, इसका जो वेन्यू है ये चंडीगढ़ में है, पंजाब चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ इज द वेन्यू ऑफ द 6th Women of India Organic Festival 2019। तो देखिए पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है। ठीक है, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये सर आपको बताना चाहिए, हरी के, अभोर, बीर मोतीगढ़, बीर बुनेरहरी, देन झज्जर, ये सारे है। ठीक है, फिर एक रणजीत सागर डैम भी है, ठीक है, रवि नदी के ऊपर रणजीत सागर डैम। फिर कुछ डांसेस है, ये देख लीजिए, भांगड़ा, गिद्धा, डाब, धमन, मालवाई, ये सारे डांसेस है, लोड़ी, झिंडुआ। ठीक है, फिर यहाँ के जो स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, ब्लैक बक, इसके अलावा और एक स्टेट का भी स्टेट एनिमल है, ये भी आपको बताना चाहिए कौन सा स्टेट है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो यहाँ के जो सीएम है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है पीपी सिंह बदनौरे। ठीक है, यहाँ की कैपिटल ये चंडीगढ़, जहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक फेस्टिवल, ओमेन ऑर्गेनिक फेस्टिवल चलता है। ठीक है, बेसिकली महिला जो महिला को ऑर्गेनिक फेस्टिवल, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें इनको इंक्लूड किया जाए, तो इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, फिर देखते हैं, व्हाट इज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 19 एज पर वर्ल्ड बैंक। तो मैंने अभी बताया आरबीआई का 7.4% है और सीएसओ का 7.2% है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो एक निकलता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट एक निकलता है, उसमें इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कितना है, ये है 7.2 और 7.4 के बीच में इन्होंने प्रेडिक्शन लगाया है 7.3% का। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का जो जीडीपी प्रेडिक्शन है ये कितना है, 7.3%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3, 7.3%। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताना चाहिए, मैंने पहले एक बार बताया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक ही से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये देख लीजिए वर्ल्ड बैंक, इनका जो प्रेसिडेंट है ये जिम योंग किम, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा बाद में, देखते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ के जो सीईओ है, ठीक है, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, आईएमएफ के क्रिस्टियानो लगार्डे, यहाँ पे क्रिस्टियानो जॉर्जिवा। ठीक है, फिर देखते हैं, द कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 सिक्स टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए ज्यादातर ऐसे में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन देखिए सीडीएस वगैरह में, एनडीए वगैरह में, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, द कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का, ठीक है, उसमें इंडियन सिटीजन टू नॉन मुस्लिम फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो किनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात किया जा रहा है, कौन से कंट्री से नॉन मुस्लिम अगर आए, जो कि माइनॉरिटीज है, बुद्धिस्ट हो, सिख्स हो, हिंदू हो, उनको माइनॉरिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कौन से कंट्री का। ठीक है, तो एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कौन से कंट्री से है, एक तो है बांग्लादेश, लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चन काफी बार गलत कर ले जाएंगे कि पाकिस्तान से शायद नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बांग्लादेश इनका है, देन पाकिस्तान से अलाउड है, देन अफगानिस्तान से अलाउड है, ठीक है, मेक श्योर कि वो नॉन मुस्लिम्स हो, और म्यांमार का ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली म्यांमार बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है और वहां पर रोहिंग्या के लिए अलग से हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ट्राई कर रहे हैं, तो म्यांमार के साथ ऐसा कुछ अलाउ नहीं है इनको। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ये तीन कंट्री से कोई भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी आए, ठीक है, तो उनको इंडिया में सिटीजनशिप के लिए दिया जाएगा, मतलब यहाँ के कुछ रूल्स है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो पहले 11 साल था उसको 6 साल बना दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोविजंस भी है, लेकिन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 है। ठीक है, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन से देखिए, द हिंदू, जैन, क्रिस्टियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, ये सारे है। ठीक है, फिर देखते 21st क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ द 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है इस साल का, यह है इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट है, ठीक है, ये जो फुटबॉल फेडरेशन जो है अफ्रीकन कप 2019 का, इजिप्ट इसको हेल्ड कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजर है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, सीएएफ जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा इजिप्ट, इसका कैपिटल जो है कायरो है। ठीक है, तो ये देखिए इजिप्ट, ठीक है, एक छोटा सा कंट्री है अफ्रीका में सबसे ऊपर। फिर देखते The Indian government has launched the Web Wonder Woman, launched the Web Wonder Woman campaign in collaboration with which of the following human rights organization? कौन सा human rights organization के साथ Indian government ने Wonder Woman campaign चला रहे? ठीक है, तो Wonder Woman campaign basically है क्या? ठीक है, ये जो hashtag www
वंडर मैन ये कैंपेन है, ठीक है, कि कोई भी एक्सेप्शनल अचीवमेंट हो, ठीक है, वुमेन के लिए एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन पर्टिकुलर सम फील्ड, ठीक है, सो व्हिच कैन ड्राइव सम पॉजिटिव एजेंडा थ्रू सोशल ऑफ सोशल चेंज थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल अचीवमेंट हो जो कि समाज में कुछ अच्छा अच्छा ही फैलाए, ठीक है, पॉजिटिव चेंज लाए, तो ये सारी चीजों को उसमें डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें लोगों को शोकेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा एनजीओ जो गवर्नमेंट है, कौन से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये बना रहे, ठीक है, ये कर रहे, ठीक है, तो क्या ये ब्रेक थ्रू इंडिया है या फिर केयर इंडिया या फिर विद द पीपल इंडिया या फिर वॉइस ऑफ वुमेन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये? ये है ब्रेक थ्रू इंडिया, ठीक है। ब्रेक थ्रू इंडिया एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट, बेसिकली WCD, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट जो है ये कर रहे हैं ये सर, ठीक है। और WCD किसके अंदर में है ये आपको पता नहीं चाहिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी के अंदर में है ये, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोजेक्ट गंगा जल या फिर गंगा जल प्रोजेक्ट व्हिच इज रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है, इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये डायरेक्टर याद रखिए, प्रोजेक्ट गंगा जल जो है ये कहां पे शुरू किया गया है, देखिए अभी कुंभ मेला चल रहा है तो ज्यादातर आंसर आप प्रयागराज करके ले जाएंगे, नहीं है, ठीक है, गंगा जल ना प्रयागराज ना गया ना हरिद्वार, ये आगरा पे चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट गंगा जल इन आगरा, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आगरा। देखिए ये प्रोजेक्ट गंगा जल विल प्रोवाइड आगरा विथ बेटर एंड मोर एश्योर्ड वाटर सप्लाई, ठीक है, तो वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ये सारे ना हो, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट के जो स्पॉट है, ठीक है, आगरा, तो गंगा जल प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा आगरा में। फिर 24th क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज हैज ओपन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से स्टेट में इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज खुला है अभी हाल ही में, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसका नाम क्या है, बायोरंग ब्रिज, ठीक है, बायोरंग ब्रिज वॉज बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4,843 करोड़ रुपीज एंड फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, अंडर द नॉन लैप्सेबल कंट्रोल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस स्कीम, ठीक है, तो इसके तहत ये जो ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए, लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है इंडिया का, ठीक है, इसका नाम याद रखिए बायरंग ब्रिज अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है आपको बताना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है, ठीक है, ये है सेवन सिस्टर स्टेट्स और इसके साथ जो है सिक्किम मिलता है, ठीक है, सेवन सिस्टर्स प्लस वन गादा देश है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, इसका जो कैपिटल है ये ईटानगर, ठीक है, सेवन सिस्टर्स के जो पूरा एग्जैक्ट ये जो मैप है ये आपके दिमाग में छमछाना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन इससे आते हैं सेवन सिस्टर सीरीज में से, कौन सा कहाँ पे है, ये कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे टच करता है, या फिर म्यांमार को कौन सा स्टेट टच करता है, देन चाइना को कौन सा स्टेट टच करता है, बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कैपिटल ईटानगर, गवर्नर है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, ठीक है, देन जो चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खंडू, ठीक है, देन ये सारे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पाखुई टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज में था बेसिकली, ठीक है, 2018 में ये न्यूज में था पाखुई टाइगर रिजर्व, ठीक है, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में आया भी था, ठीक है, देन सेसा ऑर्चिड सेंचुरी ये भी है, ठीक है, देन ये जो डैम है, ठीक है, सुबर्सरी लोअर डैम और ये जो है एक रंगा नदी डैम, ठीक है, फिर कुछ डैम्स है बारदोछाम चलो पोपिन अजिलामू लायन एंड पिकअप डैम्स, तो ये क्वेश्चन में काफी एक दो बार मैंने देख चुका हूँ, ठीक है, लायन एंड पिकअप डैम्स कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, तो फोक डैम से अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, फिर ये नेशनल पार्क है, ठीक है, मोलिंग और नामडा, ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI बाय 2022। तो ये जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम कौन सा स्टेट ने ये दावा किया है, एक इनका एक पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने दावा किया है कि हम 2022 तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले आएंगे। इसके बारे में आपने न्यूज में तो सुना ही होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में काफी चर्चा है न्यूज में, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली है क्या कि कोई सिटीजन को, हर एक सिटीजन को इतना पैसा उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे कि वो अपने अच्छे से अपना ख्याल रख सके,
ठीक है। तो बेसिकली एक अल्टरनेटिव बन सकता है जो हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्कीम गवर्नमेंट चलाती है ठीक है, लोगों को भलाई करने के लिए सोशल स्कीम्स जो है, ये सारा बंद करके डायरेक्ट लोगों को कुछ पैसे दिया जाए ठीक है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट धारा करता है 2,000, 4,000, 10,000, 15,000 जितना भी पर पीपल, उनको अकाउंट में डायरेक्ट कुछ पैसा डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना काम सारे कर सकते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स के चक्कर में नहीं पड़ के। तो ये है बेसिकली यूबीआई का कंसेप्ट ठीक है। बहुत सारे कंट्री में ये जो है अभी ट्रायल लेवल पर चल भी रहा है ठीक है। तो इंडिया में भी कुछ गांव में ये चला हुआ था, आई थिंक मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम बाय 2022 ये कौन सा स्टेट में दावा किया है कि हम ले आएंगे ठीक है बाय 2022। तो ये जो दावा करने वाला कौन सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, इसका नाम है सिक्किम ठीक है। तो ये जो सिक्किम है, सिक्किम ये दावा कर रहा है कि ये हम ले आएंगे। देखिए सिक्किम की अगर डेमोग्राफी देखेंगे तो ये पॉसिबल भी है ठीक है, वहां के जो पर कैपिटा इनकम जो है बहुत हाई है क्योंकि लोग बहुत कम है और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, तो सिक्किम ऐसा कर सकता है आई थिंक। तो ये सारी चीजें को आपको अच्छे से पता होना चाहिए और यूबीआई के बेसिक जो फंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार एसएससी में भी ऐसे लिखने पड़ते हैं, तो ऐसे राइटिंग में ये आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे का फंडा क्या है ठीक है। तो देखिए सिक्किम, सिक्किम का जो कैपिटल है ये गैंगटॉक है ठीक है, ये 7 सिस्टर्स + 1 वाला जो है ये है सिक्किम ठीक है। देखिए सिक्किम के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स, सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक, फिर यह कुछ डैम्स है ठीक है, सिंगी जाम, याकचाम, मरुनी, कालीटोपी ठीक है, रेचुंगना, तो ये सारे डैम्स है। और ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सिक्किम में, कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ठीक है, ये सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है। रेड पांडा है यहाँ के स्टेट एनिमल ठीक है। फिर देखते हैं व्हाट इज इंडिया रैंक एट द ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018। तो इंडिया का रैंक क्या है ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में ठीक है। तो ईआईयू क्या है बेसिकली, आपको ये भी पहले पता होना चाहिए ठीक है। ईआईयू क्या है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ठीक है। तो इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 41st है ठीक है, 41st है इंडिया का रैंक इसमें। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के इंडेक्स में इंडिया का रैंक 41st है आउट ऑफ 167 डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक है। ये डेमोक्रेसी रैंक है बेसिकली कौन सा कंट्री कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक है ठीक है। तो इसमें टॉप किनों में क्या है आपको पता ही होना चाहिए, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, तो ये है 1st, 2nd, 3rd, नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्वीडन ठीक है। तो इंडिया का रैंक कितना आपको पता होना चाहिए ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स में, 41st। Then, on which of the following river, 6 states have signed an agreement for Renugaji multipurpose dam project? तो ये जो है Renugaji multipurpose dam project, कौन सा जो 6 states है उन्होंने ये साइन कर दिया है एक जो multipurpose dam project के लिए ठीक है। तो ये कौन सा river के ऊपर है, क्या गंगा के ऊपर है या फिर जमुना के ऊपर या फिर गोदावरी या फिर कावेरी? तो देखिए ये जो Renugaji multipurpose dam project है इसमें 3 डैम के जो प्रपोज है ठीक है, 3 डैम बनाए जाएंगे। तो ये 3 डैम अलग अलग जगह पे है और ये तीनों जो है, एक तो जमुना नदी के ऊपर बनने वाला है और दो जो है वो जमुना नदी के 2 ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनने वाला है। तो ये सर आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तो जमुना हो जाएगा, लेकिन ये जो रेणुकाजी जो डैम है, जिसका डैम रेणुकाजी डैम है, ये जमुना नदी के ऊपर नहीं बनने वाला है। तो अगर आंसर पे अगर कुछ और है ठीक है, कौन सा वाला आपको पता होना चाहिए ठीक है, ये वाला देखिए, ये टेबल देख लीजिए, यमुना रिवर के ऊपर जो डैम बनने वाला है ये है लखवार प्रोजेक्ट यमुना रिवर के ऊपर उत्तराखंड में ठीक है। फिर यमुना के जो ट्रिब्यूटरी 2 है, एक है टोल्स, दूसरा है गिरी ठीक है। तो ये जो टोल है, टोल्स रिवर के ऊपर जो डैम बनने वाला है, इस डैम का नाम क्या है, किशाऊ डैम, उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे ही है। और दूसरा और एक है गिरी रिवर, इसके ऊपर एक्चुअली बन रहा है रेणुकाजी डैम ठीक है। तो ब्रॉड सेंस में कहे तो जमुना नदी के ऊपर है ये तो सही है, लेकिन जमुना के ट्रिब्यूटरी है रेणुकाजी डैम, उसी के ऊपर बन रहा है, ये है गिरी इन हिमाचल प्रदेश ठीक है ना। तो ये फिर से क्वेश्चन का अच्छे से देख लीजिए ठीक है। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर 6 स्टेट्स हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर रेणुकाजी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्टली यमुना ठीक है। तो ये है देखिए 6 स्टेट्स कौन सा जिन्होंने ये साइन किया है, दिल्ली में साइन हुआ है बेसिकली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ठीक है, ये तो 3 स्टेट हो गए, फिर राजस्थान, उत्तराखंड, 5 स्टेट्स और ये दिल्ली एक यूटी है ठीक है। यमुना हैज 2 ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी टोन एंड गिरी
ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली बन रहा है और मैंने ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, आपको काम आने वाला है। ठीक है, रेणुका जी ये न्यूज में है तो सीडीएस इंडिया किसी में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं, हुज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान। तो देखिए, ताइवान एक जो डिस्प्यूटेड ही कंट्री है, ठीक है, आप इसको कंट्री मानते हैं या नहीं यही है डिस्प्यूटेड। तो ताइवान जो है, चाइना इसको बोलता है कि अपने अंडर में है और ताइवान बोलता है कि चाइना हमारे अंडर में है, तो बस ऐसा ही है। चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है इसके तहत ताइवान चाइना का पार्ट ही है, इंडिया भी यही मान के चलता है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान, ताइवान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ठीक है, इनका नाम क्या है, शू शेंग चेंग, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, मुझे ये चाइनीज प्रोनाउंसिंग के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये है इनका शू शेंग चेंग, इनका नाम है, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा शू शेंग चेंग। इनका जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनका नाम है शाई शाई लैंग वेन, ठीक है, और ये जो पीएम है शू शेंग चेंग, ठीक है, ये है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर। तो ताइवान का लोकेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बस, ये है चाइना, देखिए ये साउथ चाइना सी में, ठीक है, ये साउथ चाइना सी में, ये है ताइवान, इसका कैपिटल जो है ये ताइपेई है, ठीक है। फिर देखते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज शेफ द नेशन फॉर 2020 ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स में शेफ द नेशन कौन है, शेफ द नेशन का मतलब क्या होता है, शेफ द नेशन का मतलब जो भी एक टीम को हेड जो करते हैं, ठीक है, लीड करना अलग चीज है, हेड करते हैं जो, ठीक है, एक डिप्लोमेट होते हैं बेसिकली, शेफ द मिशन है वो। तो 2020 के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक्स होने वाला है 2020 में, इस ओलंपिक्स के शेफ द मिशन कौन है, इनका नाम क्या है, बीरेंद्र सिंह बीरेंद्र प्रसाद भाष्य, ठीक है। तो ये है बीरेंद्र प्रसाद भाष्य, ये है शेफ द मिशन। बीरेंद्र प्रसाद भाष्य बेसिकली है कौन, ये प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, ठीक है। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीरेंद्र सिंह सॉरी बीरेंद्र प्रसाद भाष्य विल बी द शेफ द मिशन फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इन जापान। तो ओलंपिक्स वेन्यू को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा ओलंपिक्स वेन्यू कहाँ पे है, कब कौन सा ओलंपिक्स वेन्यू कहाँ पे था, ठीक है। तो मैंने एक टाइमलाइन इसका प्रोवाइड करवा दिया है, इसका आप अच्छे से ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, 2012 से लेकर 2028 तक, ठीक है, हर चार साल में एक बार होता है, आपको बताना चाहिए। 2012 में जो ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, वो हुआ था लंदन में, इससे पहले 2008 का जो ओलंपिक्स था वो बेजिंग चाइना में हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो इनमें पुराना तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, 2012 का लंदन, फिर 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, फिर 2020 का है टोक्यो जापान में, फिर नेक्स्ट दोनों भी अनाउंस हो चुका है, 2024 का पेरिस फ्रांस में होने वाला है ओलंपिक्स, देन 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है, ठीक है। ये सारे समर ओलंपिक्स है बेसिकली, ये भी याद रख लिए, विंटर ओलंपिक्स इसके साइड बाय साइड ही होता है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन रैंक्ड नंबर वन इन द लाइट फ्लाई 45-48 केजी कैटेगरी बाय द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो ये जो है नंबर वन रैंकिंग में कौन है लाइट फ्लाई के 45-48 कैटेगरी के जी में, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एजेंसी IAIBA। तो कौन है, अगर फोटो आप पहचान चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, मणिपुर के किंग है ये, क्वीन है, ठीक है, इनका नाम है मैरी कॉम, ठीक है, एक हिंदी मूवी भी है मैरी कॉम के नाम पे, ठीक है। तो मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है मणिपुर के, ठीक है, इनको नंबर वन रैंकिंग हुए, इनका भी करंट जो रैंकिंग है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत, ठीक है। तो देखते हैं 31st क्वेश्चन, व्हिच आईआईटी हैज डिसाइडेड टू लॉन्च 6 मंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेस। तो कौन सा आईआईटी ने डिसाइड किया है ये जो 6 मंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स है, ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है, ये है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर बेसिकली वेस्ट बंगाल पे है, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर हैज लॉन्च्ड 6 मंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, ठीक है, इनका जो डिफरेंट जो यूनिट्स है खड़गपुर के, बैंगलोर पे, दिल्ली पे, कोलकाता पे, ये सारे हैदराबाद पे, यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 6 मंथ कोर्स है बेसिकली, एक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। तो ये है इसका जो आंसर हो जाएगा, ये है आईआईटी खड़गपुर। देन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ईयर फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का बेस ईयर कौन सा है, ठीक है, तो बेस ईयर है 2017, ठीक है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
चालू तभी हुआ था एनसीएपी का, ये अभी दो साल बीत चुके हैं ऑलरेडी। तो ये है 2017 है इसका बेस ईयर। तो इंडियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड द मच आउटेड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। इसका बेस ईयर कब से शुरू किया जाएगा, 2017 से। ठीक है, 33rd क्वेश्चन देखते हैं। Who is the author of the book We Are Displaced, My Journey and Stories from Refugee Girl Around the World? तो ये जो बुक है, ठीक है, We Are Displaced, My Journey and Stories from Refugee Girl Around the World, इस बुक के ऑथर कौन है? ठीक है, तो अगर ये फोटो आप पहचान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये है पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई। ठीक है, इनको 2014 में नोबेल फॉर पीस मिला था। ठीक है, किनके साथ? और एक जो सज्जन थे वो इंडिया से थे, उनके नाम है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इनके साथ इन दोनों को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स आप कभी इंटरनेट से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ठीक है, कैसे रिफ्यूजी बने, फिर इनको हेड में कैसे गन शॉट हुआ था, ठीक है, बुलेट शॉट किया गया था, ये सारी चीजें हैं बहुत सारे। तो ये जो है वी आर डिस्प्लेस्ड, ये जो बुक है मलाला इशू जाएगा, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखते हैं फिर, Which of the following international organization has recently released the report Future of Consumption in Fast Growth Consumer Market India? तो ये जो रिपोर्ट है Future of Consumption in Fast Growth Consumer Market in India, ये रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? ठीक है, ये रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज्ड ए पर्टिकुलर रिपोर्ट कॉल्ड फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। ठीक है, ये जो है फाउंडर जो है ये काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में एसएससी में भी काफी बार आया चुका है। तो ये जो फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कौन है ये? क्लॉस श्वाब। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे है, क्लॉस श्वाब इसका जो फाउंडर है। ठीक है, 1971 में यह शुरू हुआ था। तो इन्होंने ये रिपोर्ट अभी जारी किया है। ठीक, देखिए ये रिपोर्ट में क्या लिखा है, देखिए, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया इज सेट टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बिहाइंड ओनली यूएसए एंड चाइना। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाय 2030। फर्स्ट थिंग जो था ये लिखा था, देन सेकंड में क्या लिखा है? एज पर द रिपोर्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $1.5 trillion एट प्रेजेंट टू $6 trillion बाय 2030। ठीक है, ये था सेकंड जो कि $1.5 trillion के जो एक्सपेक्टेड कंज्यूमर मार्केट है, इससे ये ग्रो करके एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा? $6 trillion तक। ठीक है, बाय 2030। देन थर्ड में क्या लिखा था? द रिपोर्ट नोटेड दैट ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास विल लिफ्ट नियरली 25 million हाउसहोल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था तकरीबन 2010 के तहत। ठीक है, वो लोग तकरीबन 70 मिलियन पीपल को निकाले चुके थे। ठीक है, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास को ले गए थे। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, एज पर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर 35th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स टू रिवाइव मिथिकल सरस्वती रिवर। तो कौन सा गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी अप्रूव किया है कि जो सरस्वती रिवर है उसका फिर से रिजुविनेशन किया जाए? ठीक है, तो ये जो है ये रिवर कहां से है, तो अगर आपको पता है तो हो जाएगा इसका आंसर, ये है हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि मिथिकल सरस्वती रिवर को रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके लिए 11 प्रोजेक्ट निकाले। ठीक है, रिजुविनेशन के। और हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आप देख लीजिए, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। देन यहाँ के जो कुछ डांसेस है जैसे कि खोरिया मंजीरा, ठीक है, देन ये जो है गोगाजी लूर नकल स्वांग, ये सारे डांसेस है वहाँ के, फोक डांसेस है बेसिकली। फिर गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है हरियाणा में। देन कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बीर शिखरगढ़, ठीक है, चौताला, ये सारे है। देन ये जो ब्लैक बक है मैंने बताया, ये ब्लैक बक दो तीन जो स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये इनके ये जो है स्टेट एनिमल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर 36th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू 3 lakh फॉर वुमेन एसएचजीज। ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ठीक है, कौन सा स्टेट में ये शुरू हुआ था और
ये लोग, ये जो कौन सा गवर्नमेंट है जो 3 लाख तक इनको लोन देने वाले, ठीक है, फ्री लोन जिसे बोला जाता है, मतलब इनके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा गवर्नमेंट है ये, ठीक है, देखिए इलेक्शन का माहौल है, इसमें ये सारी चीजें चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये है ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है, आपको अच्छे से बताना चाहिए। अंडर द मिशन शक्ति स्कीम, इनका एक मिशन शक्ति स्कीम है, ठीक है, मिशन शक्ति अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ये बहुत साल पहले शुरू हुआ है मिशन शक्ति ओडिशा में। तो मिशन शक्ति के तहत 3 लाख जो फ्री लोन्स है, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ओडिशा है। तो ओडिशा के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लीजिए, कैपिटल भुवनेश्वर, जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, देन गवर्नर गणेशी लाल, फिर कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि भितरकनिका, नंदनकानन, शिमलीपाल, ये सारे हैं। फिर कुछ डैम्स है, हीराकुंड डैम, महानदी के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए, महानदी जो है फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है इंडिया के, फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर इंद्रावती, इंद्रावती रिवर के ऊपर है इंद्रावती डैम, ठीक है। फिर कुछ थर्मल पावर स्टेशन है, तालचेर, हीराकुंड कैप्टिव, एक चिल्का बर्ड सेंचुरी है जो कि जो है इंडिया के सबसे जो बड़ा जो है लेक है, ठीक है, चिल्का लेक, इसमें है ये बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी का स्पेसिफिक नेम भी आप याद रख सकते हैं, इस बर्ड सेंचुरी का स्पेसिफिक नेम है नालावाना बर्ड सेंचुरी, ठीक है। फिर कुछ डांसेस है, उसमें ओडिसी जो है, ये ओडिसी डांसेस जो है क्लासिकल है। फिर बाकी जो है ब्लैक में ये सारे फोक डांसेस है, जैसे कि घुमरा, पाला जतरा, पाइक नाच, छऊ, फिर गोटीपुआ डांस, ये ओडिसी डांस का ही जो फॉर्म है, ठीक है, ये ही है गोटीपुआ डांस, ये बेसिकली मेल करते हैं। फिर कर्मा नाच, भाग नाच, सवारी, ये सारे। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, जैसे चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एलिफेंट जो वाइल्ड लाइफ है। फिर डम्पारा, देवरीगढ़, गहिरमाथा, गहिरमाथा में जो टर्टल्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे। फिर सातकोशिया, देन कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर देखते हैं हु इज द थीम ऑफ द, व्हाट इज द थीम ऑफ द 27th न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2019। तो देखिए न्यू दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर 2019 का थीम क्या था, ठीक है, रीड एंड एजुकेट द वर्ल्ड, लेट्स रीड टुगेदर, रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, ए बुक कैन फिट 1000 ब्रेन्स। तो कौन सा है, देखिए थीम जो है रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, ये है थीम इसका। 37 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। और ये जो है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, इसका जो रेडियो पार्टनर है ये भी आपको पता होना चाहिए, AIR ऑल इंडिया रेडियो है रेडियो पार्टनर ऑफ 2019 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है, विद थीम रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। फिर देखते हैं व्हिच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली ओपन्ड वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट कैथेड्रल, ठीक है, इन इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जो ये जो वेस्ट एशिया का लार्जेस्ट कैथेड्रल, कैथेड्रल और चर्च बेसिकली होता क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो कैथेड्रल कौन सा जो कंट्री है अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट कैथेड्रल बनाने वाले है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में इनका, तो ये भी इजिप्ट है इसका आंसर। इजिप्ट के बारे में हमने पहले भी एक चीज एक क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा इजिप्ट, ठीक है। तो 38 का आंसर जो है ये है इजिप्ट, इसका कैपिटल है कायरो, प्रेसिडेंट इसका आपको पता होना चाहिए अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने और ये अभी ये कैथेड्रल का इनॉग्रेशन कर चुके हैं इजिप्ट में, ठीक है। तो इजिप्ट का लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, इस साइड पे ये जो रेड सी, ये जो रिवर है ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर है आपको पता होना चाहिए, नाइल रिवर, ठीक है, ये नाइल रिवर है, ठीक है, इजिप्ट से जाता है और ये है इनका कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट से, ये सुएज कैनाल भी इजिप्ट से ही है, ठीक है, तकरीबन 1905 से 1914 के बीच में बना था, ठीक है। तो ये देखिए चर्च और कैथेड्रल के बीच में, तो चर्च और कैथेड्रल बेसिकली है क्या, कैथेड्रल जो है ये एक वन टाइप ऑफ चर्च ही है, लेकिन कैथेड्रल थोड़ा सा बड़ा होता है जो कि एक सिटी में, बड़ा सा सिटी में एक ही रहता है, लेकिन चर्च बहुत सारे रहते हैं जहां पर क्रिश्चियन लोग जाके अपने जो होली काम, जो रिलीजियस जो फंक्शन है वो सारे कर सकते हैं चर्च में, लेकिन कैथेड्रल एक ही होता है और कैथेड्रल में बेसिकली बहुत सारे और भी चीजें होता है, ठीक है, एक बिशप रहता है कैथेड्रल में, ये याद रख लीजिएगा, हर एक चर्च में फादर रहते हैं और जो कैथेड्रल में रहते हैं उनको बिशप बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको बताना चाहिए, ये एक वन टाइप ऑफ सेंस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन भी इस एरिया का इस कैथेड्रल के पास में ही है, ठीक है, और बाकी जो चर्च है ये सारे इस कैथेड्रल के अंडर में ही होता है, ठीक है। फिर देखते हैं Which of the following railway zones has launched the mobile app to help people navigate through Prayagraj city during Kumbh Mela? तो इस साल का कुंभ मेला हो रहा है प्रयागराज में, आपको पता ही होगा अलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज हो चुका है। तो यहाँ पे जो कुंभ मेला इस साल हो रहा है, ठीक है, जनवरी 9 से लेकर शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो ये जो है
कौन सा रेलवे जोन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है, लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि कुंभ मेला जो है बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, ठीक है, इतना सारा लोग दुनिया के इस सबसे ज्यादा लोग एक जगह अगर गैदर्ड होते हैं तो कुंभ मेला है, ये आपको पता होना चाहिए एक फैक्ट। तो कौन सा रेलवे जो है इस कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो आते हैं रेल से, ट्रेन से। तो ये जो है 39th क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। अगर लोकेशन भी आपको पता है अलाहाबाद कौन सा साइड पे पड़ता है तो आपको काम हो जाएगा, नॉर्थ एंड सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ सेंट्रल 17 जोन से रेलवे के, इसमें से एक जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो ये जो आपका नाम क्या है मोबाइल ऐप का, ये है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, ठीक है। इस आपका नाम भी आप अच्छे से याद रखिए, रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। देखिए कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। 6 साल में एक बार अर्थ कुंभ मेला भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया में 4 जगह पे कुंभ मेला होता है, ऐसा नहीं कि 4 जगह भी होता है, मतलब 4 जगह जो है सबसे फेमस है कुंभ मेला के लिए, ठीक है। तो ये है प्रयागराज, देन नासिक, देन हरिद्वार, देन उज्जैन, ठीक है। रोटेट होता है, ठीक है, कुंभ मेला रोटेट होता है, हर इस बार प्रयागराज में हो रहा है, देन नेक्स्ट टाइम हरिद्वार में होगा, ऐसा कुछ इनका रूल्स है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, रेल कुंभ सेवा जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के तहत लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो 39th क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। 40th क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन द FIA फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप, ठीक है। 20 साल के ये जो व्यक्ति है, ठीक है, FIA का फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप का जो रेसिंग चैंपियनशिप है ये अभी जीत चुके हैं। इनका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जेहान दारुवाला, ठीक है। तो जेहान दारुवाला ने ये जीत चुके हैं फॉर्मूला रेसिंग 3 पर यूरोपियन चैंपियनशिप। फिर 41st क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2019। तो ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है 2019 का, इसका फीचर्स क्या है, टू हियर द वॉइस ऑफ द यूथ बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, क्या ये फीचर्स है, ऑफ कोर्स ये है। देन टू एनकरेज द यूथ टू एंगेज इन पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इश्यू में यूथ को एनकरेज करना, ये भी है। टू अपडेट द ओपिनियन ऑन विजन ऑफ न्यू इंडिया इन 2022, तो 2022 में ये जो विजन है न्यू इंडिया का, इसके बारे में भी यूथ के ओपिनियन ले कि कैसे कुछ चेंजेस किया जाए, कैसा पॉलिसी मेकिंग में इनको हेल्प किया जाए, तो ये सारी चीजें भी है, ठीक है। तो ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 का है, इसमें ये तीनों के तीनों जो फीचर्स है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। और नेशनल यूथ पार्लियामेंट का जो थीम है, ये थीम क्या है, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ठीक है, इसका थीम है, बहुत अच्छा थीम है इसका, ठीक है। देन 42nd क्वेश्चन देखते हैं, 42nd क्वेश्चन है, हु हैज बीन श्योर्ड इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो वेनेजुएला एक जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, तो इनके जो नए प्रेसिडेंट कौन बने वेनेजुएला के, इनका नाम क्या है, ये देखिए री इलेक्टेड है, ठीक है, पहले भी यही थे, तो इनके जो प्रेसिडेंट है री इलेक्टेड हो चुके हैं, इनका नाम है निकोलास मदुरो, ठीक है। तो काफी कुछ इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है, यूएसए ने एक ट्वीट में बोला कि ना हम नहीं मानते इनको, ऐसा कुछ है। तो वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री तो है ही, लेकिन इनका जो इकोनॉमी है बहुत ही खराब चल रहा है अभी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका लोकेशन कहाँ पे है। देखिए ये जो है नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, यहाँ पे ऊपर जो ये वाला मेक्सिको है, मेक्सिको के ऊपर ये जो यूएसए है, तो इसके रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है वेनेजुएला, ठीक है, बेसिकली ये है वेनेजुएला, और ये साउथ अमेरिका का सबसे ये ऊपर वाला कंट्री है, इसके नीचे ये अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइल, ये सारे नीचे नीचे है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला है ये ब्राजील है, आपको ये भी पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका अमेरिका का सबसे बड़ा वाला कंट्री ब्राजील, ठीक है। तो वेनेजुएला यहाँ पे है, और वेनेजुएला का जो कैपिटल है काराकास, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो निकोलस मदुरो बने नए प्रेसिडेंट, ठीक है, वेनेजुएला का। द 2019 नेशनल यूथ डे हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो देखिए स्वामी जी के जो जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के, तो ये है 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को ये मनाया गया है, हर साल इसी डे पे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये नेशनल यूथ डे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद देखिए बॉर्न 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता, ठीक है, इनका जो जब इनके जो ओरिजिनल नेम है नरेंद्र दत्ता है, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता, और इनके गुरु थे मिस्टिक रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस थे इनका नाम, और ये जो
इनका फुल नाम ये सारा चीजें है, इनके कुछ क्वेट्स है, ये इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेट्स को आप कहीं पे भी टैग कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग वगैरह में। तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल। बट व्हाट क्वेश्चन देखते हैं। आशुतोष अमन हु इज इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, तो ये हु हो जाएगा इसके, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो ये जो है हु होगा, हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ हुई स्पोर्ट, तो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है आशुतोष अमन? तो ये जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक क्रिकेटर है आशुतोष अमन, ठीक है। तो देखिए क्यों ये न्यूज में थे, ठीक है। बिहार के लेफ्ट आर्म स्पिनर आशुतोष अमन ब्रोक द 44 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल रणजी ट्रॉफी, ठीक है, बाय फिनिशिंग इन 2018-19 टूर्नामेंट विथ 68 विकेट्स। तो इससे पहले जब रिकॉर्ड था 64 का, ठीक है, विशांत सिंह ये 1974 में था, तो 44 साल का ये जो एक रिकॉर्ड है ये आशुतोष अमन ने तोड़ दिए 68 विकेट लेके, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, ये है इनका फोटो आशुतोष अमन, ठीक है। 45th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Indian player has recently received the honorary membership of the Sydney Cricket Ground? तो Sydney Cricket Ground के honorary membership किनको मिला है? देखिए ये जो मिला है इनका नाम है विराट कोहली, क्रिकेट पर्सन, दो पर्सन को बेसिकली मिला है, दोनों के नाम आपको बताना चाहिए, विराट कोहली और जो क्रिकेट टीम के कोच है, इंडियन मैन क्रिकेट टीम के कोच जो है वो रवि शास्त्री, इन दोनों को ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मेंबरशिप मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, एक सम्मान होता है, बहुत ही अच्छा सम्मान होता है। इनके अलावा और किनको किनको ये मिला है ये भी आपको बताना चाहिए। तो इस बार जो मिला है ये है विराट कोहली, हर साल नहीं मिलता ये। तो ये देखिए अपार्ट फ्रॉम कोहली एंड रवि शास्त्री द ओनली अदर इंटरनेशनल क्रिकेटर टू बी ग्रांटेड द ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड आर सचिन तेंदुलकर एंड ब्रेन लारा ऑफ वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो इन दोनों को भी मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर इंडिया के और ब्रेन लारा जो है वेस्ट इंडीज के, इन दोनों को भी ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऑनररी मेंबरशिप मिल चुका है, ठीक है। तो विराट कोहली एंड रवि शास्त्री दोनों को ही मिला है, ये याद रख लीजिए। फिर देखते हैं हु इज द हेड ऑफ द इकोनॉमिक सॉरी इलेक्शन कमीशन पैनल व्हिच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन डिजिटल मीडिया एंड कैंपेनिंग ड्यूरिंग लास्ट 48 आवर्स बिफोर पोल। तो इलेक्शन कमीशन का एक पैनल बनाया था जिन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया ऑन डिजिटल मीडिया कैंपेनिंग ड्यूरिंग लास्ट 48 आवर्स बिफोर पोल्स। तो इससे क्या किया गया है बेसिकली कि कोई भी कैंपेनिंग अलाउड नहीं होगा 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन, ठीक है, ताकि वोटर जो है अच्छे से अपना दिमाग यूज करके सोच सके कि किसको वोट देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया के जो डाइवर्ट हो जाता है, सोशल मीडिया के प्रभाव में आके जो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, जो उस टाइम में अनाप शनाप दिखा देते हैं कि किसी पार्टी के खिलाफ या फिर कोई लीडर के खिलाफ, तो उससे क्या होगा, लोगों के जो अपना खुद का जो दिमाग लोग कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे चीजों के तहत ये कमेटी है, कमेटी इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने क्या किया, ये सारे चीजों को बयान कर दिया कि 48 आवर्स मतलब दो दिन पहले इलेक्शन के कोई भी उस दो दिन पहले से ही कोई भी वो जो 48 आवर्स है उसको साइलेंट पीरियड बोला गया है, ठीक है। तो उस पीरियड में कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे फर्जी काम वगैरह नहीं चलेगा, तो अच्छा किया है, ठीक है। तो इस कमेटी के हेड कौन थे, ये जो इकोनॉमी सॉरी इलेक्शन कमीशन के जो पैनल है इसके हेड कौन थे, ये थे उमेश सिन्हा, ठीक है, तो इनका नाम है उमेश सिन्हा। फिर देखते हैं व्हिच इंडियन पर्सनालिटी इज द रिसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड एक रिनाउंड अवार्ड है, ठीक है। तो फिलिप कोटलर कौन थे, वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर थे फॉर मार्केटिंग इन जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनके एक प्रोफेसर थे, इनके नाम पे फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। बॉटम लाइन पीपल प्रॉफिट एंड प्लैनेट ये जो है कुछ इनका फोकस है, ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन है इनका, पीपल प्रॉफिट प्लैनेट के तहत। तो इस साल का जो अवार्ड है ये किनको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनको ये फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को 2018 में एक अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी, उसको बारे में आपको बताना चाहिए, चैंपियंस ऑफ द ईयर अवार्ड यूएन के, ठीक है। फिर देखते व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। तो ये जो है वन फैमिली वन जॉब स्कीम ये कौन सा गवर्नमेंट ने शुरू किया है, देखिए तो ये भी सिक्किम के ही है,
ठीक है, चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग है, इन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया है वन फैमिली वन जॉब स्कीम, फैमिली के हर एक व्यक्ति को, हर एक फैमिली से कम से कम एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो ये जो है सिक्किम ने डिक्लेयर किया है, यूबीआई भी सिक्किम ने डिक्लेयर किया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो देखिए ये लोकेशन को पता होना चाहिए, सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक, और इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेवन सिस्टर्स के मैप बार बार आप देखते रहिए, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज द ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के मिलके कमांड है, जो कि बैटल ग्राउंड के लिए पूरा अच्छे से वो रेडी रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई सर्विसेस थिएटर कमांड। तो इंडिया में एक ही ऐसा ट्राई सर्विसेस थिएटर कमांड है इंडियन आर्म फोर्सेस को। ठीक है, तो ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कमांड विच कंप्राइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडियन आर्मी, देन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड्स। ठीक है, ये सारे है। तो ये ट्राई सर्विसेस कमांड अंडमान एंड निकोबार में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार कमांड हो जाएगा। और इसके बारे में और एक चीज जो है, इसका लोकेशन को अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ये जो है ये इंडिया के है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई, पुडुचेरी, ठीक है, ये सारे हैं। और ये जो है श्रीलंका, तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल पे, ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर है, और ये बाकी सारे जो बहुत सारे जो आइलैंड्स वगैरह है, इसमें से कुछ आइलैंड्स के अभी रीनेमिंग हुए थे, तीन आइलैंड के पिछले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो ये जो है ये इसके बारे में आपको अच्छे से बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा था, ठीक है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी 14 में रिसेंटली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया था। ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। ठीक, फिर देखते हैं, इन व्हिच ईयर द 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न। तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन से 10th सिख गुरु जो थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कब पैदा हुए थे, ठीक है, ये है 1666। ठीक है, ये जो है 1666 में पैदा हुए थे। ठीक है, और अभी इनका जो 352nd, ठीक है, 352वां जो बर्थ एनिवर्सरी गया था, रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए ये न्यूज में थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, बॉर्न इन पटना साहिब इन बिहार ऑन 5th January 1666। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th सिख गुरु। ठीक है, ही सक्सीडेड हिज फादर गुरु तेग बहादुर, जो कि 9th सिख गुरु थे। ठीक है, और ही फाउंडेड द सिख वॉरियर कम्युनिटी कॉल्ड खालसा पंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तो सिख गुरु में से कौन से सिख गुरु खालसा पंथ को फाउंड किए थे, ये थे गुरु गोविंद सिंह, लास्ट जो 10th सिख गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने 5 केज के बारे में बताया। ठीक है, क्या है ये 5 केज, 5 आर्टिकल्स दैट पर्टिकुलर जो सिख के बारे में होना चाहिए, कंगी, ठीक है, ऐसा कुछ चीजें है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1666, ये है गुरु गोविंद सिंह। फिर देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ड्राफ्टेड 5-year एक्शन प्लान टू एड्रेस ड्रग अब्यूज इन द कंट्री। ठीक है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, तो ये कौन सा पीरियड है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ड्राफ्ट किया है 5-year एक्शन प्लान, तो ये है 2018 से 2023 तक। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है 2018 से 2023 तक, इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट का ये जो एक्शन प्लान है काम करेगा कि ड्रग अब्यूज को कैसे देश में कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे यूथ इसमें पीड़ित है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें, देश को अंदर से खोखला कर देता है ये सब चीजें। ठीक है, फिर 53rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट 10% कोटा ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ जनरल कैटेगरी। तो पहले क्वेश्चन में हमने डिक्लेयर किया था, जो डिस्कस किए थे कि 10% जनरल कैटेगरी को मिलने वाला है रिजर्वेशन, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट ईयर जो इसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या है, केरला है, सिक्किम है, या फिर गुजरात या महाराष्ट्र है। तो ये जो है गुजरात है। ठीक है, गुजरात से ये पहली पास हो गया है, ये इंप्लीमेंट हो चुका है, उनको मिलेगा 10% रिजर्वेशन ऑन जनरल कैटेगरी स्पेशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। ठीक है, द सेंटर हैज टेकन द डिसीजन अंडर द आर्टिकल 46 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर अमेंड द आर्टिकल 15 एंड 16। इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक कैप है 50% रिजर्वेशन का, उसको अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 16 को फिर ये इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और ये हो चुका है ऑलरेडी। तो गुजरात जो पहला स्टेट है जिन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लीजिए, डांसेस है, दांडिया रास, गरबा, ठीक है, ये सारे डांसेस है बहुत सारे। और
कुछ डैम्स है, दंतीवाड़ा सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती डैम, देन जो है ठीक है मिट्टी डैम, उकाई डैम, ठीक है उकाई डैम जो है तापी रिवर के ऊपर है। ये सारे बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ये जो सरदार सरोवर डैम, उकाई डैम ये सारे न्यूज में रहते हैं। ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन है काकरापार, मिठीवीड़ी, ये सारे थर्मल पावर स्टेशन है, उकाई, शिखा, वानकवरी। ठीक है, फिर नेशनल पार्क है ब्लैक बॉक, गिर फॉरेस्ट। ठीक है, और गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन पाया जाता है जो कि इनका स्टेट एनिमल भी है, और एशियाटिक लायन कहीं नहीं मिलते, गिर फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, ये बात भी आपको बताना चाहिए। फिर मैरान नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, ये सर है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, आपको बताना चाहिए। यहाँ के जो गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली है गवर्नर। ठीक है, 51st क्वेश्चन देखते हैं, द साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ओशन। तो साउथ चाइना सी कौन सा ओशन का पार्ट है, ये जो है आपको मैप देखने से अच्छे से पता होना चाहिए, पता हो जाएगा। देखिए ये है साउथ चाइना सी, तो यहाँ पे चाइना देख सकते हैं आप, यहाँ पे चाइना। ठीक है, ये जो है ये है साउथ चाइना सी टोटल। ठीक है, इस साइड में ये फिलीपींस वगैरह है। ठीक है, ये फिलीपींस वगैरह है और ये है साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये कौन सा ओशन का पार्ट है, देखिए इंडियन ओशन यहाँ पे बाउंडेड है, तो ये जो है ये पैसिफिक ओशन का टोटल पार्ट है। ठीक है, पैसिफिक ओशन से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में से ये पैसिफिक ओशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है जो कि साउथ चाइना सी। ठीक है, ये है ईस्ट चाइना सी, तो ये टोटल जो चाइना सी जितने भी है ये सारे ही पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, तो ये आपको पता चाहिए, तो इसका आंसर आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ये जो है ऑप्शन वन पैसिफिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन का तो कोई बात ही नहीं है। फिर 55th क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following movie is won the Golden Globe Awards 2019 for the best motion picture? तो best motion picture के लिए Golden Globe Award 2019 किनको मिला है? ये जो मिला है Bohemian Rhapsody। ठीक है, Bohemian Rhapsody ये जो पिक्चर है इसको मिला है 2019 के Golden Globe Award। ठीक है, तो ये जो Bohemian Rhapsody ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये किस बारे में है आपको बताना चाहिए, बेसिकली इसका जो डायरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहिए, ब्रायन सिंगर। ठीक है, तो ब्रायन सिंगर जो है इसका डायरेक्टर है बोहेमियन रैप्सोडी, ये जो पिक्चर है यूके प्रोड्यूस्ड है ये पिक्चर। ठीक है, तो फॉक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के तहत ये है, फॉक्स आपको पता ही होगा बहुत ही अच्छा मूवी जो पिक्चर कंपनी है। ठीक है, तो बोहेमियन रैप्सोडी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56th क्वेश्चन, इन डिसम्बर 2018 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मर्ज्ड विद बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के साथ कौन सा जो कंपनी है मर्ज हो चुका है इन दिसंबर 2018। तो बंधन बैंक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, आपको ये पता होना चाहिए। और कौन सा जो कंपनी है जो मर्ज हुआ है अभी हाल ही में बंधन बैंक के साथ, ये है ग्रु फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली आप याद रख लीजिए, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रु फाइनेंस लिमिटेड। फिर 57th क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी व्हिच अपॉइंट्स द सीबीआई डायरेक्टर। तो सीबीआई डायरेक्टर को जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें कौन जो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तीन लोगों का एक कमेटी बनता है, वो कमेटी डिसाइड लेता है कि सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेंगे, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है ये भी है, देन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये नहीं है, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी है। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, अभी जो हाल ही में डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, इसलिए न्यूज में है सीबीआई डायरेक्टर को आलोक वर्मा जी उनको हटा के फिर और एक डायरेक्टर को लाया गया था। ठीक है, फिर उनको अभी फिर आलोक वर्मा जी को रीइंस्टेट किया गया है, तो ये सारी चीजें चल रही है इसलिए ये न्यूज में है। तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों रहते हैं, एक ग्रुप है इनका, ठीक है, कमेटी, और ये कमेटी डिसाइड करता है कि सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेंगे। ठीक है, तो सीबीआई के बारे में देख लीजिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी कौन है, एम नागेश्वर राव, हालांकि ये भी गलत है, ठीक है, ये अपडेटेड नहीं है। ठीक है, जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है एम नागेश्वर राव, ये इंटरिम इनको बनाया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी और एक ऑर्डर पास किया और इनको अभी जो हटा दिया गया है, और जो आलोक वर्मा जी थे उनको फिर से जो दिया गया है पावर दिया गया है, ठीक है, रीइंस्टेट किया गया है, लेकिन उनको कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजन तो नहीं ले सकते, ये सारे जो क्लॉज कुछ डाले गए क्योंकि अभी तक उनका केस का जो कुछ समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, ये कब फाउंड किया गया था। ठीक है, और ये जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं, द आईटी एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन 2017 एंड 18 वेयर डैश बिलियन डॉलर।
तो आईटी एक्सपोर्ट कितना है इंडिया का 2017-18 में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्सपोर्ट है $126 बिलियन, ठीक है। तो $126 बिलियन कितना होगा आपको बताना चाहिए। देखिए अभी करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी 71 रुपया है तो करेंसी एक्सचेंज रेट, तो ये तकरीबन हो जाएगा 7112 करोड़, ठीक है, $1 बिलियन में। तो ये जो है $126 बिलियन है हमारा आईटी एक्सपोर्ट, ठीक है। देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज क्लैमरिंग फॉर $5.7 बिलियन फॉर ए स्टील वॉल अलोंग द बॉर्डर ऑफ यूएस विथ व्हिच ऑफ कंट्री। तो यूएस और कौन से कंट्री के बीच में बॉर्डर देखने के लिए अभी एक स्टील का वॉल बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए ये पैसे मांग रहे हैं $5.7 बिलियन, लेकिन अमेरिका का जो वहां के जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उससे ये पैसे अभी मंजूर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चल रहा है दशक से चल रहा है कि पार्शियल शटडाउन कर देंगे गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें है। तो ये $5.7 बिलियन का जो स्टील वॉल के लिए ये जो क्लाइमरिंग है, कौन से कंट्री के साथ ये बॉर्डर वॉल बनने वाला है स्टील का, ये है मेक्सिको के साथ, ठीक है। यूएस मेक्सिको बॉर्डर में ये फेंसिंग किया जाएगा ये जो स्टील का। देखिए ये है ऊपर जो है यूएस है, नीचे जो है मेक्सिको, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ये जो है इसमें, तो प्रपोज देखिए ये जो है बॉर्डर सेक्टर्स कहाँ पे बॉर्डर है, जो ब्लैक मार्क्स है ये बॉर्डर है ऑलरेडी। एग्जिस्टिंग बैरियर सेक्शन कहाँ पे है देख लीजिए, और प्रपोज जो बैरियर कहाँ पे डालने वाला है ये सारे आप देख सकते हैं। ये जो है सेक्शन इसमें बॉर्डर सेक्शन में डालने वाले है, ठीक है। तो यूएस मेक्सिको के बीच में का बॉर्डर है, तकरीबन 3,145 किलोमीटर का बॉर्डर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर 60th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस रिजाइन्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। तो किन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, एक यूएस कोरियन पर्सनालिटी है, इनका नाम क्या है, जिम योंग किम, ठीक है। इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा किम जोंग यून के साथ, काफी मिलता जुलता नाम है। किम जोंग यून जो है ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, और जिम योंग किम जो है ये है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये अभी रिजाइन कर चुके हैं जनवरी महीने में, ठीक है, पर्सनल रीजन इंसर्ट किए हैं। तो जिम योंग किम दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज रिजाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। 61st क्वेश्चन देते हैं, इन जनवरी 2019 एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप न्यू सेंटर्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए न्यू सेंटर कौन से जो सिटी में ये अभी सेटअप किया जाएगा, ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सेंटर फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी सेट अप इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टार्टिंग फैक्ट्स देख लीजिए, ठीक है। अभी इनका कैपिटल जो है ये अलग हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, अमरावती अभी डीजीआर और डीफैक्टो दोनों ही है अमरावती, ठीक है। तो ये जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ के कुछ डांसेस देख लीजिए, कुचिपुड़ी इसमें क्या है, कुचिपुड़ी जो है ये क्लासिकल डांसेस है, और ये जो सारे है कोट्टम लंबड़ी कोया कोलानाडु ये कोलानलु ये सारे जो है ये सारे फोक डांसेस है, ठीक है। कुछ लेक है कोलर लेक पुलिकट लेक, फिर कुछ नेशनल पार्क है पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर मेलबोर्न बर्ड सेंचुरी भी है, फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कोरिंगा गोंडी, ठीक है। देन ये कुछ जो कोबाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फिर नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी के ऊपर, फिर श्रीशैलम डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर, इसको नागार्जुन श्रीशैलम भी कहा जाता है काफी बार, फिर सोमाशिला एक डैम है पेन्ना रिवर के ऊपर, ये सर आपको बताना चाहिए। फिर रॉयल सीमा एक थर्मल पावर प्लांट है, सीमाद्री थर्मल पावर प्लांट है, कुछ लेक्स है कोलरू पुलिकट लेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। ब्लैक बर्ड जो है आंध्र प्रदेश के स्टेट एनिमल है, ठीक है। फिर ये स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड स्टेट ट्री स्टेट फ्लावर ये सर दिया गया है नीचे, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद रखिए, ठीक है। स्टेट के जो सॉरी स्टेट्स के जो स्टैटिक फैक्ट्स है ये सर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 62nd क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर कोटेशंस क्वाड्रेशंस। तो ये जो है सॉरी ये कोटेशन बीच में आ गया सॉरी, तो ये जो है फोर क्वाड्रेशंस, तो फोर क्वाड्रेशंस कौन कौन है, ये है इंडिया देन ऑस्ट्रेलिया देन यूएसए देन जापान, आपको बताना चाहिए। इनके कैपिटल भी आपको अच्छे से बताना चाहिए, ठीक है। इंडिया न्यू दिल्ली देन ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा देन यूएसए, इसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी, देन ये जो है जापान, जापान का कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। तो ये सारे बात आपको बताना चाहिए। क्वाड्रेशन इनका एक ग्रुप है बेसिकली हाइपोथेसिस ग्रुप है, अभी इसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बना है, लेकिन ये लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जैसे कि एक एक्सरसाइज है आपको बताना चाहिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंडिया जापान और यूएसए के बीच में है मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसको ज्वाइन किए थे फिर बाद में छोड़ दिए। तो ये जो क्वाड्रेशन है बेसिकली साउथ चाइना सी और इंडिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें शांति बने रहे, यही इनका जो जो लक्ष्य है, ठीक है। तो इसके साथ
इस जो सेकंड वीक का खत्म होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे मेल आईडी दिया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, थैंक यू।